नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नया वीडियो आपके मोबाइल नोटिफिकेशन में मिल जाए। इस वीडियो के साथ आप देखेंगे कि एड्स बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2018 की राज्य एजुकेशन बोर्ड की साइट पर जो 17 अंक अपन को अपडेट करने हैं स्टूडेंट के, जिसमें विषय अनुसार प्रत्येक विषय के बोर्ड के निर्देशों अनुसार अपन को 17 अंक ऑनलाइन करने हैं। तो इसमें गूगल ब्राउजर में टाइप करेंगे राज्य एजुकेशन बोर्ड एंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब यहाँ पर होम पेज में प्रारंभिक पूर्णता प्रमाण पत्र चार्ट परीक्षा 2018 ऑनलाइन 17 अंक, इसको क्लिक करेंगे। सीजन मार्क्स अपडेट करने के लिए यहाँ पर लॉग इन टू यूर अकाउंट यानी कि विद्यालय लॉग इन, और उसके बाद में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं, यहाँ मोबाइल फ़ोन नंबर दिए हुए हैं और मेल आईडी जो बोर्ड की है, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि यदि आप पुराने पासवर्ड से लॉग इन करने में असमर्थ हैं तो नया पासवर्ड लेने के लिए अपने स्कूल के लेटर हेड पर मैं सील जो संस्था प्रदान के हस्ताक्षर एंड कोड सहित, अगर इन विच आप पासवर्ड भूल चुके हैं और आपको पासवर्ड अभी ऑनलाइन करना है तो इसके लिए आप इस मेल आईडी bacronline@gmail.com पर स्कैन प्रति से आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी में स्कूल का डाइस कोड है और पासवर्ड जो आपको रिक्वायर्ड पासवर्ड दिया गया है बोर्ड द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा, और यहाँ पर ये कैप्सा इंटर के बाद में आप लॉगिन करेंगे। आफ्टर लॉगिन होम पेज ओपन, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिलेक्ट एग्ज़ाम वेलकम टू ऑलरेडी है, यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, चूज एग्ज़ाम क्लास 8th, यहाँ पर एटो सेलेक्टेड है, यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू गो मीनू, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फिल सीजन मार्क्स, यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, फिल सीजन मार्क्स, प्रिंट चेकलिस्ट, अपडेट सीजन मार्क्स, लॉक सीजन मार्क्स एंड प्रिंट सीजनल मार्क्स। अब यहाँ पर केवल आपको इसी ऑप्शन में रहना है अभी, इसके बाद में आपको प्रिंट चेकलिस्ट का प्रिंट आउट निकालना है। पहले यहाँ पर समस्त विषयों के मार्क्स आप अपडेट करेंगे 17 अंक, उसके बाद में प्रिंट चेकलिस्ट निकालेंगे। बिल्कुल कंफर्म होने के बाद में अगर आपको यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन दिख रहा है तो आप यहाँ पर अपडेट सीजन मार्क पर क्लिक करके एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में फाइनल कंफर्म होने के बाद में आपको लॉक सीजन मार्क पर क्लिक करना है, और इसके बाद में फाइनल प्रिंट जो है वो उसका आपको लेना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिल सीजन मार्क्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट चॉइस करना है, और सब्जेक्ट चॉइस के बाद में जैसे अपन यहाँ पर फॉर एग्जांपल हिंदी चॉइस कर लेते हैं। हिंदी चॉइस करने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रोल नंबर ऑलरेडी एलोकेटेड है बोर्ड के, जैसे स्टूडेंट, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट लिखे हुए हैं और मैक्सिमम मार्क्स लिखे हुए हैं 20। सब्जेक्ट हिंदी, यहाँ पर आपको फिल करने के बाद में अगर यहाँ पर सबमिट करने हैं मार्क्स, और लास्ट जो ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट में 3 ऑप्शन बताए गए हैं, एबसेंट, एन ए और 0। अगर आपको यहाँ पर एबसेंट है स्टूडेंट तो उसको एबसेंट शो उस हिसाब से करना है, और एन ए और 0 जो भी यहाँ पर आप उसी स्थिति में चॉइस करेंगे। जब आप सिलेक्शन का यूज़ बटन आप तभी करेंगे जब स्टूडेंट की स्थिति वो इसमें से 3 ऑप्शनों में कोई हो तो ही आप यह चॉइस करेंगे, वरना यहाँ मार्क्स ही सीधे सबमिट करने के बाद में नीचे सेव मार्क्स पर क्लिक कर देंगे। सेव मार्क्स दिया हुआ है लास्ट में ऑप्शन, जो बटन दिया हुआ है सेव मार्क्स, इसको क्लिक करके सारे मार्क्स एक साथ आप सेव कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको सीजनल मार्क्स जो अपडेट करने हैं
ये प्रोसेस है मित्रों, ये आज ही आया है ऑनलाइन अभी, और इस तरीके से आपको प्रोसेस करना है और फिलअप करने हैं अपने 17 अंक। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगला नया वीडियो मोबाइल नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए गुड डे।